Good morning everyone. Today we will discuss chapter number 8, movement in animals. ठीक है? तो इसमें movement in bird और movement in skin. तो ये आपको याद रखना है. आज ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा. ठीक है? Movement in birds किस तरीके से birds movement करते हैं और किस तरीके से snake movement करता है. ये आपको याद रखना है. देखो, birds में आपको याद रखना है कि birds जो है different type के motion दिखाते हैं. Birds shows different type of movements. They can fly, walk, run or hop on the ground. ठीक है? मतलब ये fly भी कर सकते हैं, birds उड़ भी सकते हैं, चल भी सकते हैं, दौड़ भी सकते हैं. ठीक है? तो ये movement होते हैं birds का. ठीक है? Birds आपने देखे होंगे, घर पे भी देखते हो आप बेटा. ठीक है? कैसे sparrow वगैरह जो है कैसे movement करती हैं, वो walk भी कर सकती हैं. ठीक है? इसके अलावा रन दौड़ती भी है. ठीक है? और इसके अलावा फ्लाई भी करती है. तो किस तरीके से फ्लाई करती है बेटा? बेटा डक जो होती है ना, डक एक बर्ड होता है, डक वो क्या होते हैं, वाटर में स्विम भी कर सकते हैं. ठीक है? द फॉलोइंग फीचर्स हेल्प बर्ड टू फ्लाई. मतलब बर्ड्स में कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो उसकी वजह से वो फ्लाई कर पाते हैं. तो पहला इसमें अपन पढ़ने जा रहे हैं, बर्ड्स हैव स्ट्रीम लाइन बॉडी. तो वही है अभी बताया था मैंने. स्ट्रीम लाइन बॉडी का मतलब क्या होता है बेटा? स्ट्रीम लाइन बॉडी का क्या होता है मतलब? स्ट्रीम लाइन बॉडी का मतलब क्या होता है? बीच में से क्या होते हैं, ब्रॉड, और दोनों तरफ से या दोनों एंड्स पे क्या होते हैं, नैरो. ठीक है? ब्रॉड इन मिडल. ठीक है? मिडल एंड नैरो एट एंड्स. अगर इनकी बॉडी की शेप की बात करें, इसकी बर्ड्स की बात कर रहा है, एनिमल्स के लिए भी बोल रहा हूँ मैं अभी. ठीक है? तो बर्ड्स में क्या होता है, स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है. स्ट्रीम लाइन बॉडी का मतलब होता है ब्रॉड एट द मिडल, मिडल से चौड़ी, और नैरो एट द एंड, यानी दोनों तरफ से नैरो. ठीक है? सकरी पतली होती है. वो स्ट्रीम लाइन बॉडी की वजह से ही क्या होते हैं, ईजिली फ्लाई कर पाते हैं. अगर बॉडी आगे से वाइड होती है, ब्रॉड होती, चौड़ी होती, तो हवा उसको रोकने का क्या करती, कोशिश करती, हवा का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता. ठीक है? अपोजिशन ज़्यादा होता. तो स्ट्रीम लाइन बॉडी का बहुत अच्छा एक इनका क्या है, बेनिफिट है, जिसकी वजह से ये हवा को इजीली चीर पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं. ठीक है? तो ये आपको याद रखना है इनका स्ट्रीम लाइन बॉडी. देयर बोन्स आर होलो विच मेक द लाइट, यानी इनकी बोन्स क्या होती है इनका, होलो बोन्स होती हैं इनमें, बर्ड्स में होलो बोन्स. होलो बोन्स का मतलब है बेटा क्या, इनकी हड्डियाँ जो है बेटा अंदर से क्या होती हैं, खोखली होती हैं, खाली होती हैं. तो उसकी वजह से इनका वेट जो है ना बहुत हल्का हो जाता है, बहुत हल्का वेट होता है, इसकी वजह से भी ये इजीली जो है फ्लाई कर पाते हैं. ठीक है? नेक्स्ट है, दे हैव विंग्स विच हेल्प देम टू फ्लाई, यानी इनके विंग्स होते हैं. बर्ड्स में क्या होते हैं, विंग्स होते हैं जो इसको इजीली फ्लाई करने में हेल्प करते हैं. दे हैव पावरफुल चेस्ट मसल्स, इनकी क्या होती है बेटा, चेस्ट मसल्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं जो इसको उड़ने में हेल्प करती हैं. ठीक है? और ये चीज़ें हैं. ठीक है? ठीक है? तो ये आपको चार पांच फीचर्स इसके याद रखने, स्ट्रेट लाइन बॉडी, होलो बोन्स, और एक क्या है बेटा इसमें, स्ट्रॉन्ग मसल्स, स्ट्रॉन्ग चेस्ट मसल्स, स्ट्रॉन्ग चेस्ट मसल्स, स्ट्रॉन्ग चेस्ट मसल्स. ठीक है? ये कुछ फीचर्स हैं इसके, आप लोग याद रखो. विंग्स होते हैं. अब है मोमेंट इन स्नेक, मोमेंट इन स्नेक. तो ये इसको मैं इरेज कर देता हूँ और फिर अपन बढ़ेंगे आगे. देखो स्नेक कैसे मूवमेंट करता है, आपको पता है, स्नेक वगैरह देखा होगा आपने कभी. स्नेक डू नॉट हैव एनी लेग्स. पहली चीज तो स्नेक जो है वो क्या होता है, इसमें डू नॉट हैव
लेंस, लेंस में, ठीक है। उसके बाद में एफ ए फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल बैकबोन, बैकबोन जो है वो बेटा क्या होती है, इसकी फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। बैकबोन प्रेजेंट तो रहती है बट क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। इसकी वजह से ये लूप बनाता है, और लूप लूप मतलब एक राउंड से घेरे से बनाता है, उसकी वजह से आगे मूव कर पाता है। तो देखो फ्लेक्सिबल बैकबोन होती है। देयर बॉडी इज कवर्ड विद स्केल्स, स्केल से कवर्ड होती है, ठीक है। मतलब इसके ऊपर जो है एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि एक कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं एक तरीके से स्केल, ठीक है। विच क्राउलिंग ऑन द ग्राउंड, यानी स्नेक क्या होता है, क्राउलिंग रेन के आगे बढ़ता है, ठीक है, क्राउलिंग करता है। उसके बाद में दे मेक्स लूप विद देयर बॉडी, ये क्या बनाता है बेटा, मेक लूप, ठीक है, इन या ऑन बॉडी, लूप्स ऑन द बॉडी विद देयर बॉडी, विद देयर बॉडी, ये आपका है, ठीक है। सबसे पहला है इसमें लेग्स ही होते हैं स्नेक में, फ्लेक्सिबल बैकबोन होती है, ये लूप का फॉर्मेशन करता है, लूप्स बनाता है, मतलब बॉडी को एक जगह क्या कर देता है, इकट्ठा करके लूप बनाता है, उस लूप को क्या करता है, आगे की तरफ बढ़ाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनमें इजीली मूवमेंट हो पाता है, ठीक है बेटा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, ठीक है, तो इसको ये लूप जो है आगे की तरफ पुश करते हैं, जिसकी वजह से इनकी बॉडी जो है आगे की तरफ मूव करती है, ठीक है। और इसी तरीके से मूव ये जो है जिगजैग मोशन करता है, जिगजैग मोशन करता है, जिसकी वजह से ये आगे की तरफ बहुत तेजी से बढ़ पाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन जो पढ़ेंगे वो है मूवमेंट इन ह्यूमंस, ह्यूमंस कैसे मूवमेंट करते हैं, बेटा आपको पता है मूवमेंट इन, मूवमेंट इन ह्यूमंस, ह्यूमंस कैसे मूवमेंट करते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ह्यूमंस मूवमेंट इज ब्रॉट अबाउट बाय द प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन टू सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम एंड द मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम होता है उसकी वजह से अपन बहुत इजीली मूव कर पाते हैं। ह्यूमंस में क्या होता है, मस्कुलर मसल्स होती हैं, और क्या होती हैं, स्केलेटल मतलब कंकाल होता है, ठीक है, हड्डियाँ वगैरह जिसको बोलते हैं, तो इन दोनों की वजह से अपन इजीली मूव कर पाते हैं, ठीक है। तो स्केलेटल सिस्टम अपन पढ़ेंगे, और अपन क्या पढ़ेंगे, मसल्स पढ़ेंगे, बॉडी में मसल्स कैसे हेल्प करती हैं, जैसे हाथ हिल रहा है तो मसल्स कैसे मूव कर रही हैं, ठीक है, और बोन्स कैसे मूव कर रही है, अपना स्केलेटल सिस्टम कैसे मूव करता है, ठीक है। ये सारा अपन कब डिस्कस करेंगे, अगली क्लास में, ओके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।